आज हम बताएंगे कि हम अपने वीडियो कैमरा को अपने मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट करके कैसे चला सकते हैं और उसका कैसे फ़ोटो वीडियो सब कुछ अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सा ऐप है तो दोस्तों हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहिए, बीच में कहीं इसकी मत करिएगा जिससे आपको सभी वीडियो की जानकारी मिल सके। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों हम अपने मोबाइल पर बताते हैं कि वह कौन सा ऐप है जिससे हम अपने वीडियो कैमरा को अपने मोबाइल पर वाईफाई से कनेक्ट करके कैसे चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने मोबाइल पर बताते हैं। दोस्तों अब हम अपने मोबाइल फ़ोन पर आ चुके हैं, तो चलिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर ऐप पर जाएंगे। प्ले स्टोर ऐप पर जाने पर हम वहां सर्च करेंगे, अगर हमारा कैमरा पैनासोनिक है तो यहां सर्च करें पैनासोनिक इमेज ऐप। पैनासोनिक इमेज ऐप खोलने के बाद हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद तो चलिए दोस्तों अब हम उस ऐप को ओपन करेंगे। दोस्तों हमारा ओपन हो गया, तो दोस्तों अब हम अपने वीडियो कैमरे के वाईफाई को भी ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ इसको वाईफाई ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये जो वाईफाई ही दिया है मोबाइल में इसको क्लिक करेंगे। दोस्तों हमारा सर्च कर लिया, ये भी 270 ही आ गया मॉडल नंबर। अब इसको कनेक्ट करेंगे, देखिए कनेक्टिंग हो रहा है। देखिए दोस्तों कनेक्ट हो गया और दोस्तों हमारा कैमरा कनेक्ट हो गया। और अगर दोस्तों हमारा कैमरा पहले से भी कनेक्ट हुआ था इसलिए पासवर्ड नहीं मांगा, और अगर आप पहली बार करेंगे तो आपको पासवर्ड मांगेगा। तो आप अपने कैमरे में अगर वाईफाई तब ओके करेंगे तो उसमें पासवर्ड दिया रहेगा, तो वो पासवर्ड आप डाल दीजिएगा। फिर इसके बाद आपका कैमरा क्या होगा, वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ होम पर आएंगे, ये होम का बटन है, तो यहाँ हमारा कैमरा दिखाई दे रहा है। ये यहाँ रिमोट ऑपरेटिंग ट्रांसफ़र इमेज फोटो कॉलेज हाईलाइट फोटो कॉलेज हाईलाइट, और यहाँ इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों वाईफाई। तो यहाँ हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग अपना कर सकते हैं। देखिए ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही है ना, यहाँ से हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसमें बगल में जो प्ले का निशान रहेगा उससे हम अपना पूरा, देखिए ये हमारा पूरा क्या हो गया, ये हमारा पूरा आ गया, डाटा सिस्टम आ गया। तो इसको ओपन भी कर हम चला सकते हैं। देखिए ये हमारा कैमरा, ये हमारा डाटा चल रहा है, देखिए चल रहा है ना। हाँ तो इसी तरह हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं, हमारा जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो जाता है दोस्तों, और उससे हम पूरा डाटा अपना कर सकते, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और दोस्तों देखिए और यहाँ हम अपना ABC HD में भी देख सकते हैं क्लिक करके, जहाँ ABC HD लिखा रहता है MP4 में भी कर सकते हैं, JPG में जिसमें आप रिकॉर्डिंग करे रहेंगे वही दिखाई देगा। तो चलिए JPG में अपना फ़ोटो हम देख लेते हैं। दोस्तों ये हमारा फ़ोटो आ गया, तो चलिए जैसे ये फ़ोटो हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, जो ये है ना तो अपने मोबाइल में हम सेव कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके हमारा क्या हुआ, मोबाइल सेव हो गया, काफ़ी हो गया। और ये जैसे फिर ये हो गया, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं डिलीट भी कर सकते हैं, ये जो डिलीट का ऑप्शन है। और ये जो है इससे हम क्या कर सकते हैं, इसमें शेयर भी कर सकते हैं किसी में भी। और दोस्तों जो हमारा ABC HD वीडियो है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। देखिए जो है ना जैसे ये चल रहा है, ये हम चला कर देख सकते हैं। दोस्तों इस तरह का रहता है हमारा इमेज ऐप, बहुत बढ़िया कमाल का ऐप है। और दोस्तों इससे हम फोटो भी बना सकते हैं, वीडियो से क्या है फोटो भी बना सकते हैं। तो देखिए जैसे ये वीडियो हो गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ हाईलाइट ये जो 3 आइकन दिखाई दे रहा है वहाँ क्लिक करने के बाद हाईलाइट फोटो कॉलेज पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हम इसका जैसे फोटो बनाना चाहते हैं तो क्लिक कर हम यहाँ एक्सक्यूट कर देंगे तो क्या होगा, ये फोटो बन जाएगा हमारा।
देखिए ये जिस जो जो भी आप बनाना चाहते हैं फोटो, ये सब फोटो हमारा क्या हुआ, बन गया दोस्तों। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वीडियो कैमरा ये जो है देख सकते हैं कि वीडियो कैमरा से हमारा ये जो फोटो डाटा दिखाई दे रहा वो है या कि मोबाइल का है। तो दोस्तों इस तरह हम अपने मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट कर देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों ये जो मेनू का चिन्ह है इससे हम आकर आपने ये कैमरा का क्या है कर सकते हैं, सेटिंग भी देख सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतने ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।